हिमाचल के कुल्लू जिले में रहने वाले इन चारों लोगों का अपने घर का सपना पूरा हुआ। लंबे समय तक अपना घर होने का ख्वाब देखते रहे, लेकिन मालूम नहीं था कि ये पूरा कैसे हो। लेकिन अब अपने सर पर अपनी छत है। अपना खुद का घर होने के क्या मायने होते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तो मेरा पहले कच्चा मकान था और इसको मैंने अब डिसमेंटल करके नए सिरे से, एक मिट्टी में स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो पैसा मुझे मिला, उस पैसे से मैंने ये जो है अपना नवा मकान जो है लेंटर वाला बना दिया, जिसमें मेरा परिवार और मैं अब बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हैं। प्रेम सिंह पेशे से पेंटर हैं, कभी कच्चे मकान में रहते थे, आज सर पर पक्की छत है, खुशियों के रंगों से सजा अपना घर अपनों के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने पैसा मिला, उससे हमें जो पहले कच्चा मकान था, अब हमने ये पक्का मकान बना दिया है, इसलिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी है। पहले कच्चा मकान था, अब पक्का मकान है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मंगत राम दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन रात दूसरों के लिए घर बनाए, लेकिन अपने घर का सपना अब जाकर साकार हुआ। पुराना मकान था और पानी बहुत छोड़ता था, स्लेटों में बहुत ही गिरने वाला मकान था और सरकार की तरफ से बहुत हेल्प मिली मुझे, तो मैंने भी अपना पैसा लगाया और मैंने दो लेंटर वाला मकान बना दिया जी। हमको एक मौका दिया गया ना रिपेयर करने को, हमारे पुराने मकान को रिन्यू करवाने का एक मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ये अच्छा लग रहा है बनके भी। हीरा सिंह पेशे से तिपहिया चालक हैं, अपने ऑटो से न जाने कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन अपना घर होने की मंजिल अब हासिल हुई है। मेरे पास एक ऑटो रिक्शा है जो बेरोजगार के तहत मुझे मिली थी, मैं इससे अपना गुजारा कर पाता था। मकान बनाने का सपना मेरे लिए कुछ अधूरा महसूस लग रहा था। पक्का मकान बनाने के बाद जो है मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चे और बहुत खुश है। ये कहानी सिर्फ इन चार लोगों की ही नहीं है, देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सपनों ने हकीकत की शक्ल ली है और ये काम कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना।